शाबाश गुड, यहाँ भी लगाओ। हाँ अब वाली वगैरह में भी आ जाओ। चलो, देवभूमि उत्तराखंड में गोवर्धन पूजा का अपना विशेष महत्व है। इस अवसर पर हल्दी तथा चावल से पिसे हुए आटे, जिसे बिस्वार कहते हैं, से लेप बनाकर बर्तन से ठप्पा लगाया जाता है। उत्तराखंड में गोवर्धन पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस अवसर पर प्रातःकाल से ही घर में यथा योग्य पकवान इत्यादि बनाकर सर्वप्रथम घर के इष्ट देवता का पूजन किया जाता है। चलो चलो, यहाँ भी बनाओ, लगाओ लगाओ, शाबाश, लगाओ लगाओ, कोई बात नहीं, डरो मत। ये देखो, ये शाबाश, ऐसे देखो, ऐसे देखो, छोड़ो, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ये षोडश मात्र का चौकी का पूजन, गोबर से बनाए गए गोवर्धन पर्वत और अन्य मनोहारी दृश्य से सुसज्जित मंदिर में भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन महाराज का पूजन और पाठ किया जाता है। भावी पीढ़ी को कला और संस्कृति के संरक्षण के क्षेत्र में जोड़ने के लिए इस तरह के अनुष्ठान और पर्व में शामिल किया जाता है। यहाँ तक कि विदेशों में तो इस समय गाय की सेवा के लिए काउ कर्लिंग शब्द का प्रयोग भी किया जाने लगा है। यह नया टर्म गाय की सेवा करने और उसके माथे और शरीर को पलासने का कार्य किया जाता है और उसे आशीर्वाद लिया जाता है। वाह वाह वाह, गंडपाल जी बढ़िया बढ़िया। नमस्कार नमस्कार, जो जो नमस्कार, ठीक ठाक? और ठीक ठाक, हाँ हाँ ठीक ठाक। अरे आज आज मांडा लगा रहा हो तुम, आज क्या बात है यार? हाँ गंडपाल जी आप पूरे छा गए। हाँ पता, थोड़ा प्रयास तो करते हैं ना। ना सही है सही। इस अवसर पर गोवर्धन महाराज की पूजा के साथ साथ षोडश मातृका चौकी का पूजन, गोबर से बनाए गए गोवर्धन पर्वत तथा अन्य मनोहारी दृश्यों को सुसज्जित कर भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन महाराज का पूजन एवं पाठ किया जाता है। इस आरती में परिवार के समस्त सदस्य उपस्थित होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हुए घर की सुख समृद्धि की मनोकामना करते हैं। ऐसे यहाँ रहता ना थोड़ी देर अपने हवा से जाएगा।